दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सरकार देश के नागरिकों के प्रति बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह की योजनाएं आरंभ करती रहती है। ऐसी ही एक योजना है केबीपी योजना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केबीपी योजना की। केबीपी योजना क्या है? केबीपी का मतलब है किसान विकास पत्र योजना। यह योजना एक प्रकार की बचत योजना है जो निवेश की अवधि के बाद निवेश की रकम को दोगुना करके देती है, जिसे आप किसी बैंक या डाकघर से खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इन प्रश्नों को जानेंगे। पहला, केबीपी की विशेषता क्या है? दूसरा, कौन निवेश कर सकता है? तीसरा, कितना निवेश कर सकते हैं? चौथा, मैच्योरिटी पीरियड कितना है? पाँचवा, समय से पहले पैसे निकाल सकते हैं क्या? छठवा, महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या हैं? किसान विकास पत्र की विशेषताएँ क्या है? यह भारत सरकार की योजना है। इसमें सुरक्षित निवेश विकल्प है। 10 साल 4 महीने में दोगुना गारंटी रिटर्न है। वार्षिक ब्याज दर 6.9% है और केबीपी प्रमाण पत्र को गारंटी के रूप में बैंक में गिरवी रखकर लोन प्राप्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं इस योजना में कौन निवेश कर सकता है। जरूर नहीं कि इस योजना के लिए किसान ही आवेदन करे। इस योजना के अंतर्गत भारत का कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है। 10 साल से ज़्यादा उम्र का नाबालिग और 10 साल से कम उम्र के नाबालिग की ओर से अभिभावक आवेदन कर सकता है और अधिकतम 3 व्यक्ति ज्वाइंट निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस योजना में कितना निवेश कर सकते हैं। न्यूनतम निवेश राशि 1,000 रुपये है। अधिकतम निवेश राशि पर कोई सीमा नहीं है। निवेश की राशि 100 के गुणांकों में होना चाहिए, जैसे कि 1100, 1200, 2000, 3100 इस तरीके से। अब बात करते हैं योजना में मैच्योरिटी पीरियड कितना है। वर्तमान में मैच्योरिटी पीरियड 10 साल 4 माह का है। मैच्योरिटी पीरियड निश्चित नहीं होता है और यह सरकार की घोषणा के आधार पर समय समय पर बदलता रहता है। बात करते हैं मैच्योरिटी पीरियड से पहले पैसे निकाल सकते हैं क्या। जी हाँ, निकाल सकते हैं। यदि निवेशक ने निवेश करने के 1 वर्ष के भीतर पैसे वापस लिया तो ब्याज नहीं मिलेगा, इसी का जुर्माना भी देना होगा। लेकिन यदि निवेश करने के 1 साल के बाद पैसे निकालता है तो जुर्माना नहीं देना होगा, लेकिन ब्याज की दर कम होगी। यदि निवेशक ने 2.5 साल के बाद पैसे निकालता है तो उसे 6.9% ब्याज की दर पर ब्याज प्रदान किया जाएगा और कोई जुर्माना नहीं देना होगा। बात करते हैं महत्वपूर्ण दस्तावेज की, जिसमें आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, केबीपी एप्लीकेशन फॉर्म, आयु प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मोबाइल नंबर। दोस्तों, आई होप कि आपको केबीपी स्कीम समझ में आई होगी और यदि कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।